वेलकम गाइज, RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज किन किन को मिलेगा जिन्होंने आपने जो RUHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो नर्सिंग का हो चाहे वो आपका पैरामेडिकल का हो चाहे आपके फार्मेसी का हो, किन किन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सो गाइज, अगर आपको यह पता लग जाए कि मिनिमम ठीक है कम से कम कितने नंबर वालों को लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, अगर ये आपको पता लग जाए तो आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि किन किन को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नर्सिंग में है, आपने खुद ने देख लिया होगा, सबसे ज़्यादा नर्सिंग में है और उससे कम पैरामेडिकल में, उससे कम फिर फार्मेसी में और उससे कम BPT में, ठीक है। तो स्टूडेंटों की संख्या भी कट ऑफ को इफ़ेक्ट करती है, क्लियर। तो पहले तो आपको स्टूडेंटों की संख्या मालूम होनी चाहिए कि कितने स्टूडेंटों ने आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। सो जैसा कि आपको पता है कि नर्सिंग में इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है, अभी संख्या आपको देख लो, ये देख लीजिए BS नर्सिंग का एग्ज़ाम 13,832, ये देख लीजिए, ये लास्ट का पेज है, RUHS BS नर्सिंग एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट 13 जनवरी 2021, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया। सो गाइज, अधिक संख्या भी कट ऑफ को इफेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार 10,000 के समथिंग, 8,000 के समथिंग ऐसे स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया, तो इस बार तो 13,000 को क्रॉस कर गया और 900 ऑलमोस्ट 14,000 के लगभग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया है तो आप ही आगे निकलोगे, ये तो श्योर है, ठीक है। तो सबसे पहले BS नर्सिंग की बात कर लेते हैं कि BS नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिनिमम कम से कम कितने नंबरों वालों को मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमारे 54 है, 55 है, और ना तो वो कैटेगरी लिख रहे और ना ही जेंडर बता रहे अपना, तो ऐसे में देखो दिक्कत आती है फिर आपको आंसर रिप्लाई करने में, ठीक है। तो चलिए आपका जो थॉट है उसको हम बता देते हैं। सो गाइस, जिनके 60 नंबर है ना, 60 नंबर है, कोई भी कैटेगरी है, कोई भी जेंडर है, सभी को 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर है 60। चाहे आपकी कैटेगरी जनरल हो, OBC हो, BSC हो, ST हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं, जिनके 60% यानी कि जिनके 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं ना, उनको तो श्योर है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो तो मिठाइयाँ खिला सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि जिनके सर 55 है, 54 है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके 54 से 55 या फिर इनके ऊपर 56 है, 57 है, तो उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है जिनके 55 के लगभग नंबर है, इनके आसपास नंबर है, तो उनका क्या होगा। तो ऐसे में आपको भी बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि काउंसलिंग, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में हो सकता है आपको कॉलेज नहीं मिले जिनके 55 के आसपास है, तो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, सेकंड काउंसलिंग में आपको ज़रूर मिलेगा। अगर सेकंड में भी नहीं मिलेगा तो थर्ड में तो आपको श्योर है मिलेगा मिलेगा, ठीक है, जिनके 55 और 56 है। कैटेगरी की बात करें OBC SST, ठीक है, जनरल में थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बट आपको थर्ड तक तो मिल ही जाएगा जिनके 55 है, 56 है, ठीक है। तो इनको भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हो कि हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले तभी हम BS नर्सिंग करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग में ओनली आपको जितनी भी गवर्नमेंट है ना उस पर टिक लगाना है, वही चूज करनी है आपको, तो वही कॉलेज आपको इनमें से कोई सी भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपकी PS आपको वापस रिफंड हो जाएगी, फिर आप कुछ भी करो, प्राइवेट से करो या फिर अगली बार फिर चांस ट्राई करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो चाहते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, हमें तो BS नर्सिंग का कोर्स करना है, तो ऐसे स्टूडेंट सारी कॉलेजें फिल कर सकते हो, कोई भी कॉलेज उनको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि जिनके 50 नंबर है, 50% नंबर आए, जिनके 51 है, 49 है, उनका क्या होगा, क्या उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगी या उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी या फिर क्या चांसेस उनके। सो गाइस, जिनके 50 से 55 के बीच में है ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा सतर्क रहना है, इनके चांसेस कम है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ज़्यादातर जनरल और OBC वालों को, ठीक है, क्योंकि जेंडर इफेक्ट करता है, ये हमने पहले बोल दिया। अगर आप जनरल OBC से हो और आपके 50 से 55 के बीच में अंक है, तो थोड़ा सा आपके चांसेज है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा मुश्किल मिले, ठीक है, मिलेगा ज़रूर, थर्ड काउंसलिंग तक चांसेज है कुछ किसी को,
जिनके ट्वेल्थ में परसेंटेज अच्छी, क्योंकि आपके रैंकिंग भी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है आपको, ट्वेल्थ के परसेंटेज के हिसाब से रैंक दी जाती है। क्योंकि आपके 52 वाले तो जाने कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 52 नंबर लाए, बट रैंक किसको मिलेगी ये तो उनकी 12वीं की परसेंटेज मायने रखती है और उनके डेट ऑफ बर्थ, ये हमने पहले बोल दिया था आपसे। क्योंकि 52 के तो जाने कितने स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको, तब रैंक किसको पहले दिया जाए, तो वो 12वीं की परसेंटेज, पीसीबी का परसेंटेज है ना आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये डिसाइड करता है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो हमने आपको बता दिया। और जिनके 50 से कम नंबर है, 50% से कम है, तो उनका क्या होगा? सो गाइस, जो जनरल ओबीसी से, तो कोई बहुत नामात्र चांस है जी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, प्राइवेट तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जिनके 50 से कम है, क्योंकि 50% से कम बहुत कम नंबर हो गए ना, तो इसमें आपको प्राइवेट ही मिलेगा। ठीक है, कोई सा प्राइवेट आप चूज कर सकते हो, जनरल ओबीसी में ये दिक्कत रहती है। अगर आप एससी और एसटी से, तो आपको चांस है जी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के 50 से कम में भी। ठीक है, तो ये रहता है इसका पंटा। और मेल फीमेल में भी चांसेज, अगर आप फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट, तो आपको 51 पे 52 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जनरल ओबीसी में, तो इसका ये फंटा रहता है गाइस। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि काउंसलिंग सभी करवा रहे हैं, जितने भी यहाँ 13,962 है ना, वो सभी करवा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता कि कौन कौन काउंसलिंग करवा रहा है, क्योंकि संभव नहीं है हर किसी को कॉन्टैक्ट करके पूछना कि आप काउंसलिंग करवा रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, वो तो बाद में पता चल गया कि कौन कौन काउंसलिंग करवा रहा है और कौन कौन नहीं करवा रहा है, तो ये इफ़ेक्ट करता है। तो जिनके 60 है उनको तो श्योर है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और एसएमएस की रही बात, एसएमएस जो जयपुर का है, गवर्नमेंट है, प्योर निःशुल्क है, यहाँ पर आपका कोर्स होगा। तो इनके लिए तो गाइज आपको पता है कि 72-75 के अबाव ही होना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सीमित सीटें हैं। और उसके बाद आता है सेमी गवर्नमेंट, जो कि आपके कोटा में है, उदयपुर में, बीकानेर में है, झालावाड़ में है, ठीक है, अलवर में है। तो इनके लिए तो हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि कितने नंबरों तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वीडियो नहीं देखा है तो वो आपकी गलती है, वीडियो तो हमने बहुत अच्छे से बना दिया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसका, तो उसको जाके देख लेना और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जिनके 60 नंबर है उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जिनके 55 है उनको भी नहीं घबराना है, क्योंकि उनको थर्ड काउंसलिंग तक मिल जाएगा, 3 काउंसलिंग होती है आपकी। ठीक है, तो चालान किस प्रकार से बंद, और बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं, सर अगर हमको प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो क्या हमारी फीस वापस हो जाएगी? सो गाइज, जो आप टिक लगाते हो ना, उनमें से कोई सी भी अगर आपको मिल जाती है तो फीस वापस कैसे होगी, वो तो आपने खुद ने चूज किया है और अलॉट हो गया, तो फिर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। अगर आपको कॉलेज ही नहीं चाहिए प्राइवेट, तो आप काउंसलिंग में फिल क्यों करते हो, उनको चूज क्यों करते हो? अगर आपको प्राइवेट नहीं चाहिए ना, तो आप फिर काउंसलिंग में चूज मत करना, गवर्नमेंट पे टिक लगा के आ जाना बस, कि हमको तो इन 5 कॉलेज में कोई सा भी दे दो, अगर नहीं देते हो तो फीस वापस कर दो, सिंपल सा फंडा है। अब यही नियम लागू होता है आपके फार्मेसी वालों के लिए, पैरामेडिकल वालों के लिए, क्योंकि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी 5,000 के अबाव स्टूडेंटों ने दिया है, उनका भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये है आपके आरएचएस पैरामेडिकल का, तो यहाँ पर 5,545 स्टूडेंटों ने दिया है। हम सभी की बात करते हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, बट आप वीडियो पूरा देखते हो तब ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे, सर पैरामेडिकल के बारे में, फार्मेसी के बारे में बताइए, तो हम तो बता तो रहे, वीडियो तो पूरा देखो आप। ठीक है, जाने काय की जल्दी लगी रहती है आपको, वीडियो पूरा नहीं देखते आप। ये पैरामेडिकल की रही बात, तो पैरामेडिकल में 5,545 स्टूडेंटों ने दिया है, सीटें तो आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे चैनल पर सारे वीडियो है, आप देखो तो सही, जाके चैनल पर पैरामेडिकल, फार्मेसी सब की सीटें, सब कुछ, सिलेबस सब कुछ हमने बताया हुआ है, जो समझदार स्टूडेंट हो तो सारी नॉलेज ले लेगा हमारे चैनल पर जाके, जितना फर्स्ट वीडियो था उसको भी देख लेगा, और बीच बीच में जो हमने इंक्वायरी दी उनको भी देख लेगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये पैरामेडिकल की रही बात, तो पैरामेडिकल में भी सेम वही कंडीशन है कि मिनिमम 50% तो चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब यही बात फार्मेसी के लिए देखें, तो फार्मेसी में थोड़ा और कम स्टूडेंट है। ये देखिए गाइस, ये इसका लास्ट पेज है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी का 2,331 स्टूडेंटों ने फार्मेसी का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, और इनकी सीटें कितनी है ये आपको पता नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, चैनल पे जाके देखो, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, पैरामेडिकल की सीटें कितनी है उसका भी वीडियो बना हुआ है, कट ऑफ कितनी जाती है पिछले साल की देख लो, उसका वीडियो बना हुआ है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। अब इनमें से इनके भी मिनिमम 50% तो चाहिए देखो। ठीक है, 50% तो अनिवार्य है इनके लिए भी। अब बात कर लेते बीपीटी की, ये देखिए
तो बीपीटी की बात करें तो सब ये चाहते हैं कि डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर वाला मिल जाए। तो जिनके अच्छे खासे नंबर है और कौन कौन काउंसलिंग करवा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या आती है गाइस। ये कोई नहीं जानता कि कौन कौन काउंसलिंग करवा रहा है, हम तो यही मान के चलते कि सभी करवा रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा, थोड़ा एवरेज हम ज़्यादा बता देते, ठीक है। बट काउंसलिंग करवा लेना गाइस कॉलेज, अगर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए ना तो गवर्नमेंट कॉलेज पे टिक लगाना आपको, क्योंकि उनमें से ही मिलेगी आपको। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो और काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास। बट गवर्नमेंट में तो आपको काउंसलिंग के थ्रू ही जाना होगा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया है मिनिमम 50% तो चाहिए चाहिए, और बीएस नर्सिंग वालों के लिए स्पेशल हमने आपको बता दिया है। और कोई दिक्कत हो तो कट ऑफ का वीडियो देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।